नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बिहार स्टेट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने बिहार स्टेट को प्रेफरेंस किया था, फॉर ऑल स्टेट प्रेफरेंस किया था, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। जिन्होंने अदर स्टेट भी किया है वो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पदों की संख्या बड़ी है, रिजल्ट कब आएगा, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय न गवाते हुए। तो सबसे पहले बिहार स्टेट की बात करें तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ, जो बिहार स्टेट है इसमें SSC MTS की जो वेकेंसी निकली थी, इसमें निकली थी 7,099 पदों पर। लगभग इतने ही पदों पर वैकेंसी निकली थी, तो लगभग इतने पोस्ट पर निकली थी, जिसमें से पदों की संख्या बढ़ी तो पक्की जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिहार स्टेट की बात करते हैं, कितने पद बढ़े हैं उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, देखते रहिए। तो बिहार स्टेट सेंट्रल रीजन है ये, तो बिहार में EWS की कट ऑफ कितनी गई थी, इसमें 270 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, जिसमें 83.95 आपकी कट ऑफ रही है। अब यह है आपका EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया, 270 कैंडिडेट्स ने। आपका टायर टू एग्ज़ाम हुआ डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का, जिसके तहत कम से कम 120 कैंडिडेट्स को तो वहाँ निकाल ही दिया जाएगा, और इतने कैंडिडेट्स अगर निकलते हैं तो आपके कैंडिडेट्स बचते हैं लगभग 150 के करीब, और उनको पता भी है कि कम से कम 10 स्टूडेंट्स तो 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लुढ़क जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी बहुत कैंडिडेट्स को जाना है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक वीडियो हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट में भी जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपकी जो कट ऑफ बढ़ेगी उसमें निकल जाएंगे, तो लगभग वही कैंडिडेट रह जाएंगे 20 से 30 के बीच में, इतने ही कैंडिडेट बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 कैंडिडेट्स बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको बता दूँ कि 83.95 कट ऑफ रही है, अगर यहाँ से 4 नंबर भी बढ़ती है तो ये होता है 87 या 88 प्लस। अगर किसी का 88 प्लस है तभी वो एक सेफ स्कोर में, सेफ जोन में माना जा सकता है, और इतने पर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, चांसेस हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जनरल की कट ऑफ पर। जनरल के लिए तो यहाँ पर कट ऑफ रही थी 1950। अब देखिए EWS की कम जानी चाहिए थी, जनरल की ज़्यादा, तो लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, तो 82 गई है। अगर 4 नंबर माने तो 86 प्लस किसी का स्कोर है तो सेफ स्कोर बोल सकते हैं, और इतने पर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं OBC की कट ऑफ के बारे में। OBC की कट ऑफ कितनी आ सकती है, तो 510 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया और आपकी कट ऑफ 81.80। तो यहाँ पर अगर किसी का स्कोर 85 प्लस है या 86 प्लस है तभी एक सेफ जोन में माने जाओगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जनरल और OBC लगभग सेम ही हैं, बिहार स्टेट के लिए कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, तो 86 प्लस एक सेफ स्कोर बोला जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, SC की कट ऑफ। तो यहाँ पर 270 कैंडिडेट ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, 76.26 आपकी कट ऑफ रही थी। अगर 5 नंबर भी बढ़ती है तो 81 प्लस एक गुड स्कोर बोला जा सकता है, और इतने पर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस हैं। रिजल्ट डेट के बारे में भी बात करेंगे, आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछिएगा क्या सर मेरा हो सकता है नहीं हो सकता है। आपके कमेंट का आंसर 5 मिनट के अंदर दिया जाता है और आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ST, जिसमें 345 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, जिसमें 62.52 रही है कट ऑफ। तो यहाँ पर इनका अगर 65 नहीं, इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 67 प्लस, या हो सकता है इनके लिए 70 प्लस भी हो जाए ST वालों के लिए, यहाँ इनके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, लेकिन कट ऑफ तो पहले से ही बहुत कम है, तो इनके लिए 70 प्लस एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ESM एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ कितनी आ सकती है, तो 20.7 बन गई है। लगभग हर स्टेट की यही कट ऑफ रही है, तो यहाँ पर अगर किसी का 24 प्लस स्कोर है तो सेफ स्कोर है, और कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, इतने पर जाहिर सी बात है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं PWD के लिए, तो इनका 51 है,
तो 15 कैंडिडेट्स ही हैं, तो लगभग 2 नंबर भी बढ़ जाएगी। अगर 53 भी हो जाएगी तो आपके 53+ स्कोर एक सेफ स्कोर है। रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बता दूं, अभी आपको कम से कम 15 डेज का और वेट करना पड़ सकता है, 15 से 20 डेज का आपको और समय लग सकता है रिजल्ट में आपके में। एंड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर जल्द दिया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।